वेलकम बैक टू चैनल सुकास सचिन वॉइस टेक टू वॉइस। इन दिस वीडियो में आपको बताने वाला कि यहाँ पे अगर आप कोई भी मतलब फोटो डेली आपको चाहिए, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो उस पर अगर आप डेली फोटो अपलोड करेंगे तभी आप ग्रो होंगे। लेकिन गाइस डेली फोटो अपलोड करने के लिए आपको डेली पिक्चर क्रिएट करना आता है और उसे एडिट करके अपलोड करना रहता है, क्योंकि गाइस आप एक प्रोफेशनल प्रोफाइल वाला बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डेली फोटो एडिट करके डालना पड़ेगा। सो इस वीडियो में आपको बताएंगे गाइस, अगर आपके पास टाइम कम है, आप एक स्टूडेंट है, तो आप डेली कैसे बहुत जल्द फोटो एडिट कर सकते हैं और बहुत कमाल का फोटो एकदम कम टाइम में मैं एडिट करके आपको बताऊंगा। और मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैं एक वीडियो जरूर बताऊंगा जिसमें आप कम टाइम में अच्छी फोटो अपलोड कर सकते हैं। सो इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताएंगे। सो इसके लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाकर हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको चले गए। इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस चलिए आपको बताते हैं, गाइस यहाँ पे मैं लाइटरूम में आपको एक ऐसी एडिटिंग बताऊंगा जहाँ पे गाइस आप कम टाइम में बहुत अच्छी खासी फोटो एडिट कर सकते हैं। मतलब कि गाइस आप 10 से 5 मिनट के अंदर में एक बहुत ही अच्छी खासी पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम के लिए और डेली आप इंस्टाग्राम फोटो अपलोड कर सकते हैं। और गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं अपने इंस्टाग्राम पे ऐसे करके फोटो अपलोड करता हूँ और सेल्फ एक्सपीरियंस भी आपको दूंगा और डेली मैं इंस्टाग्राम फोटो अपलोड करता हूँ जिससे आई थिंक मैं ग्रो भी हो रहा हूँ इंस्टाग्राम पे। सो गाइस चलिए आपको बता दें कि आप कैसे कम टाइम में अपनी फोटो जल्दी से अच्छी खासी एडिट कर सकते हैं। सो गाइस चलिए आपको बता दें कि आप कम समय में इंस्टाग्राम पे अपनी फोटो कैसे एडिट करके अपलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए तो मैं आपको एक प्रूफ दिखा देता हूँ, जहाँ पे मैं आपको फोटो में ले आके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मुझे एक मेरे पास एक DSLR की फाइल है, ये सारी फोटो मैं बहुत जल्दी जल्दी में एडिट करता हूँ गाइस, अपलोड करता हूँ इंस्टाग्राम पे और सारे पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी आता है पब्लिक का। तो इसके लिए सिंपली मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए आपको अपने फ़ोन में लाइटरूम डाउनलोड करना है। अगर आप लाइटरूम नहीं डाउनलोड किए हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर गाइस आप तो डाउनलोड ही किए होंगे क्योंकि मैंने एक वीडियो में इसके बारे में और बताया था। तो सिंपली आपको लाइटरूम डाउनलोड करके सिंपली आपको लाइटरूम डाउनलोड करना है। उसके बाद सिंपली आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली आपको ऑल फोटो पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी फोटो आपको ले लेना है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं ये वाली फोटो ले लेता हूँ, तो ऐड पे क्लिक करने के बाद ये फोटो आपके फ़ोन में सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी और जितनी पुरानी रहेगी उसी नीचे ऐड होगी। तो सिंपली आपको इस फोटो को ओपन करना है और गैस ओपन करने के बाद यहाँ पे मतलब सबसे पहला तो काम रहता है यहाँ पे आपको ऑटो करना रहता है। लेकिन अगर आपके फ़ोटो में लाइट मतलब कि गाइस अगर आपके फ़ोटो में लाइट रहे ना तो आपको यहाँ से इसे ऑटो कर देना रहता है। लेकिन मेरे फोटो में तो ऑलरेडी लाइट है तो मैं इसे ऑटो नहीं करूँगा। उसके बाद दूसरा जो टर्म्स मैं यूज करता हूँ, लाइट पे जाना है आपको। यहाँ पे गाइस आपको थोड़ा सा इसमें कोई भी चीज़ नहीं करना है, इसका जो हाईलाइट है इसे थोड़ा सा आपको यहाँ पे कम कर देना है और कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे कम कर देना है। और उसके बाद गाइस बस यहाँ से कुछ नहीं करना, उसके बाद दूसरे वाले आइकॉन पे जाना है। यहाँ पे गाइस आपको इस कलर मिक्सिंग वाले ऑप्शंस में जाना है जो कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे आपको ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है इसको किसी अलग कलर में चेंज करना है। तो सिंपली आपको इधर इधर साइड 100 पे करना है और इसको यहाँ पे 43 लाके कर देना है। फिर इसके बाद ये वाला ऑप्शंस है तो फिर इससे आपको ऐसे कर देना है, फिर यहाँ पे 43, फिर गाइस आपको इसे 43 कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कलर काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है। और उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको ये जो ब्लू वाला कलर है इसे थोड़ा सा आपको कलर में चेंज कर देना है। सो गाइस ये करने के बाद देख सकते हैं कि कुछ कलर मेरा चेंज हो गया। उसके बाद सिंपली आपको डन पे क्लिक कर देना है। तो डन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। डन पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको आना है ये वाले ऑप्शंस पे और यहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे आना है जहाँ पे गाइस आपके फोटो में अलग अलग कलर दिख सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का। मतलब कि गाइस यहाँ पे हमें बहुत सारे ऐसे एडिटिंग मिल जाती है जो कि हम बड़े आराम से जल्दी जल्दी में कर सकते हैं। लेकिन जो लोग को प्रोफेशनल एडिट कर रहे वो यहाँ पे टाइम लगा के देख देख के एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन मुझे तो गाइस आपको जल्दी टाइम में बताना है। तो आपको यहाँ से जो भी कलर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, जो कि आजकल बहुत सारे लोग यूज करते हैं अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के लिए। तो मुझे सबसे अच्छा यही वाला लगा, ये जो है ये वाला ऑप्शंस मुझे बेस्ट लगा क्योंकि आजकल यही वाला चल रहा है। तो इसको करने के बाद सिंपली आपको ओके पे क्लिक करना है और गाइस उसके बाद सिंपली आपको आना है यहाँ पे लास्ट में जो कि इफेक्ट वाला ऑप्शंस। यहाँ पे सिंपली आपको 10% इसकी क्लियरिटी करनी है और गाइस उसके बाद यहाँ पे आपको विगनोट लेना है। विगनोट लेने के बाद आपकी फ़ोटो में अच्छी खासी क्वालिटी आ जाती है। तो थोड़ा सा विगनोट लेना है, उसके बाद इसका पूरा मिड पॉइंट सेट करना है जिससे आपके बॉडी पर थोड़ा सा भी कालापन नहीं आए।
और उसके बाद इसका फीदर सेट करना है आपको कि थोड़ा मतलब हल्का रहे ताकि लोगों को अच्छा दिखे। उसके बाद इसका राउंडनेस सर्किल सेट करना है जो कि आप कर रहे हैं, और इतना करने के बाद लास्ट में आपको एक कर वाले ये वाले ऑप्शंस पे आना है। इसमें सबसे नीचे जाना है, यहाँ पे आपको नॉइस रिडक्शन दिखता है, तो नॉइस रिडक्शन को आपको यहाँ पे 20% करना है। यहाँ पे फिर आपको कलर नॉइस रिडक्शन मिलता है, तो इसको भी आपको यहाँ पे 20% कर देना। और गाइस ये देख सकते हैं कि मेरी फोटो बिल्कुल अच्छी तरीके से एडिट हो गई और जिस प्रकार से मैं चाहता था उस प्रकार से एडिट हुई। और इतना एडिट करने के बाद सिंपली आपको 3 डॉट पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस पे क्लिक करना है, यहाँ पे हाईएस्ट अवेलेबल क्वालिटी पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपकी फोटो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और गाइस इसके बाद यही है जल्दी जल्दी फोटो एडिटिंग करना, मैंने 5 मिनट में आपको एडिटिंग सिखा दिया और ऐसे ही गाइस मैं डेली फोटो एडिट करता हूँ, तो आई होप आप देख लिए होंगे। सो गाइस आई होप अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि आप कम टाइम में इंस्टाग्राम पे अच्छी खासी फोटो कैसे एडिट कर सकते हैं और उसे अपलोड कर सकते हैं, जिसके बाद आपके फॉलोअर भी ग्रो होंगे, आपका इंस्टाग्राम पेज भी ग्रो होगा और आप बड़े आराम से अपना सोशल मीडिया पे वायरल हो सकते हैं। सो ये कुछ हम आपको बताना चाहते थे, आई होप आपको इसके बारे में सारे डिटेल समझ में आ गए। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो जरूर सब्सक्राइब करिए और बिल्कुल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, डू समथिंग डिफरेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।